देखिए, पिछले क्लास में हम बोले थे कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के बारे में चर्चा करेंगे। तो हेडिंग लिखिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इसका हिंदी हुआ न्यूनतम दूरी। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस न्यूनतम दूरी, इसमें सबसे पहला पॉइंट लिखें एसक्यू लाइन। इसका डेफिनेशन लिखिए कि एसक्यू लाइन किसको कहते हैं। एसक्यू लाइन क्या है? ये हेडिंग है। देखिए, दो रेखा जब वो समांतर भी नहीं हो और प्रतिच्छेद भी नहीं करता हो, वैसी दो रेखाएं जो ना तो इंटरसेक्टिंग हो ना ही पैरेलल हो, वैसी रेखा को क्या बोलते हैं? एसक्यू लाइन बोलते हैं। देखिए, पहले एक रेखा ये, एक रेखा ये, देखिए ना ही ये दोनों, ये रेखा और ये रेखा पैरेलल है, ना ही इंटरसेक्ट कर रहा है। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि दो रेखा हम लें, ठीक, वो या तो पैरेलल होगा या तो इंटरसेक्टिंग होगा। ये एक प्लेन में नहीं है, दोनों अलग-अलग प्लेन में हो, वैसी दो रेखाएं जो ना तो समांतर हो ना ही प्रतिच्छेद करता हो, वैसी रेखाएं को क्या बोलते हैं? एसक्यू लाइन बोलते हैं। तो ये कब संभव है? जब दोनों रेखा अलग अलग प्लेन में हो। यदि एक प्लेन में रहेगा तो किसी भी तरह से खींचिए, मान लीजिए ये खींचे, ठीक, अभी क्या दिख रहा है? समांतर तो नहीं है, लेकिन कुछ दूर चलने के बाद ये क्या होगा? कट जाएगा, तो प्रतिच्छेदी हो गया। जो समांतर है कभी कटवे नहीं करेगा एक प्लेन में। ये तभी संभव है एसक्यू लाइन, जब दोनों रेखा कहाँ हो? अलग अलग प्लेन में हो। तो डेफिनेशन क्या लिखेंगे? वैसी दो रेखाएं जो ना तो पैरेलल हो ना ही इंटरसेक्टिंग करता हो, वो रेखा क्या कहलाता है? एसक्यू लाइन कहलाता है। ये दोनों रेखा क्या है? एसक्यू रेखा है। चलिए इसको खींच लें। उसके बाद सेकेंड हेडिंग देना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस न्यूनतम दूरी। देखिए, एसक्यू लाइन किसको कहते थे? वैसी दो रेखाएं जो ना तो समांतर हो ना ही प्रतिच्छेद करता हो, वैसी दो रेखाएं को क्या बोलते थे? एसक्यू लाइन बोलते थे। अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के बारे में पढ़ना है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होता है? एसक्यू लाइन के बीच की लंबवत दूरी, ये लंबवत दूरी है, ये जो लंबवत दूरी है पी क्यू, यही क्या कहलाएगा? यही है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? एसक्यू लाइन के बीच की लंबवत दूरी को शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कहते हैं, न्यूनतम दूरी कहते हैं, यही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। किताब में आप देखिएगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को SD से भी लिखा जाता है। ये क्या है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। एसक्यू लाइन और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस समझ में आ गया होगा, इसको लिख लें।
और इसमें कुछ यूज होगा वो बता देते हैं। देखिए मान लीजिए एक रेखा है x माइनस एक्स वन बाय एल वन, वाई माइनस वाई वन बाय एम वन, जेड माइनस जेड वन बाय एन वन, और दूसरा रेखा है x माइनस एक्स टू बाय एल टू, वाई माइनस वाई वन बाय एम वन एम टू, वाई टू होगा, जेड माइनस जेड टू बाय एन टू, ये दो रेखा है। अच्छा, रेखा का समीकरण वेक्टर रूप में भी हो सकता है, कार्टेशियन रूप में भी हो सकता है। ये जो लिखा गया है कार्टेशियन रूप में लिखा गया है, इसका नाम समीकरण एक, इसका नाम समीकरण दो दे देते हैं। ठीक, यदि कार्टेशियन रूप में दिया गया है तो वेक्टर रूप में हम कैसे चेंज करेंगे, देखिए इसका नाम दे दिए आर वन, एक्स वन आई प्लस वाई वन जे प्लस जेड वन के प्लस लैम्डा एल वन आई एम वन जे एन वन के, ये इस रेखा का समीकरण हुआ। देखिए क्या किए, माइनस था माइनस था माइनस था फॉर्मूला में, एक्स वन आई वाई वन जे जेड वन के, एल वन आई एम वन जे एन वन के, लेमडा से गुना कर दिए, ये हो गया वेक्टर फॉर्म में, ये था कार्टेशियन फॉर्म में। बोलिए तो उसको क्या लिख सकते हैं, एक्स टू आई प्लस वाई टू जे प्लस जेड टू के प्लस लैम्डा एल टू आई एम टू जे एन टू के, देखिए लिख सकते हैं, यही लिख सकते हैं वेक्टर फॉर्म में, यही लिख सकते हैं कार्टेशियन फॉर्म में। मान लीजिए कि हमें वेक्टर रूप में ही दिया हुआ है, कार्टेशियन में जाना होता तो हम क्या करते, तो देखिए x माइनस एक्स वन बाय एल वन, वाई माइनस वाई वन बाय एम वन, जेड माइनस जेड वन बाय एन वन, समझे, इस तरह से इसको हम बदल सकते हैं। इसको लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, इसी पर आधारित सवाल होगा। और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का जो फॉर्मूला है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का जो फॉर्मूला है इसको डी से सूचित करते हैं, वो दिया गया है ए टू माइनस ए वन डॉट बी वन क्रॉस बी टू बाय बी वन क्रॉस बी टू का मैग्नीट्यूड का होल मैग्नीट्यूड।
ये क्या है ये समझें। इसको क्या बोल देता है, ध्यान से देखिए, कोई वेक्टर फॉर्म में समीकरण दिया हुआ है, तो ये हो गया ए वन वेक्टर और ये क्या हो गया, ये हो गया ए टू वेक्टर, ठीक। इसको बोलते हैं बी वन वेक्टर, इसको बोलते हैं बी टू वेक्टर। तो देखिए, तो ए टू माइनस ए वन का जरूरत पड़ेगा, इसमें से इसको घटा देंगे, वो ये फॉर्मूला लिख लीजिए आप, इस पर भी सवाल बनेगा। या तो इससे बना सकते हैं या जो प्रोसेस बताएंगे उससे भी आप बना सकते हैं। चलिए इसको पहले लिख लें, फर्स्ट क्वेश्चन और मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एक पांच नंबर का सवाल, यहां से अधिकांश चांस है पूछने का। सवाल रहेगा रेखाओं एक्स माइनस वन बाय टू इज इक्वल टू वाई माइनस टू बाय थ्री इज इक्वल टू जेड माइनस थ्री बाय फोर और एक्स माइनस टू बाय फोर, सॉरी एक्स माइनस टू बाय थ्री वाई माइनस फोर बाय फोर जेड माइनस फाइव बाय फाइव के बीच के न्यूनतम दूरी ज्ञात करें। ये सवाल आ गया, हम इसको दो तरीका से बताएंगे, आपको जो अच्छा लगे उससे बनाना है परीक्षा में। चलिए इसको लिख लें, तो देखिए पहला तरीका जो हम आपको बताते हैं ये होगा थ्योरिटिकल, जैसे थ्योरी में काम करते हैं वैसे ही इसमें काम करते हैं। जैसे हम बोले होंगे कि एक क्लास और होगा स्ट्रेट लाइन का थ्री डी के, सॉरी स्ट्रेट लाइन का एक क्लास और होगा, तो वो कहाँ से था, वो यहीं से था। देखिए गिवन लाइंस आर, ये फर्स्ट लाइन और ये सेकेंड लाइन। लिखना नहीं है, लिखने के लिए आपको प्रॉपर समय देंगे, पहले आप इसको देखिए। दो रेखा है, ठीक,
एक रेखा ये है, इसके बीच की न्यूनतम दूरी को निकालना है। इसे मान लेते हैं ए बी सी डी। इस रेखा का समीकरण क्या है, यहां से पता चल रहा है, एक्स माइनस वन बाय टू y माइनस टू बाय थ्री जेड माइनस थ्री बाय फोर। इस रेखा का समीकरण क्या है, x माइनस टू बाय थ्री वाई माइनस फोर बाय फोर जेड माइनस फाइव बाय फाइव। एक बार चेक कर लेने दीजिए सही सवाल लिखे हैं, एक्स माइनस वन बाय टू वाई माइनस टू बाय थ्री जेड माइनस थ्री बाय फोर, एक्स माइनस टू बाय थ्री वाई माइनस फोर बाय फोर जेड माइनस फाइव बाय फाइव। सही। तो देखिए पहला तो ये दिया हुआ था, उसके बाद ये रेखा खींचना है, इसका नाम दे देते हैं पी क्यू। ये आपका क्या है, एस डी है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है आपका। तो पहला काम क्या करना है, डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी आर। इसका डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, रेखा ए बी का, दो तीन चार। इसलिए डायरेक्शन को साइन ऑफ ए बी क्या होगा, यदि डायरेक्शन रेशियो दिया हो तो डायरेक्शन को साइन क्या होता है, दो बटा मतलब ए बाय रूट हंड्रेड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। सोलह नौ पच्चीस चार उनतीस, देखिए दो दुनो चार तीन तीन नौ, नौ चार तेरह, तेरह सोलह उनतीस, तीन बटा रूट उनतीस, चार बटा रूट उनतीस। ठीक इसी प्रकार डायरेक्शन रेशियो लिखना है सी डी का क्या होगा, थ्री फोर फाइव। डायरेक्शन कोसाइन ऑफ सी डी आर क्या होगा, ए बाय रूट हंड्रेड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तीन तीन नौ चार चौक सोलह, सोलह नौ पच्चीस, पच्चीस पचास मतलब पांच रूट दो, चार बटे पांच रूट दो, पांच बटे पांच रूट दो। काटना किसी को नहीं है, जो है उसको रहने देंगे। यहां तक करने के बाद प्रोसेस ये ही प्रक्रिया सब सवाल में चलना है। ठीक, उसके बाद मानेंगे लेट डायरेक्शन कोसाइन ऑफ पी क्यू आर एल एम एन। इसका डायरेक्शन कोसाइन हम क्या मान लिए, डायरेक्शन कोसाइन एल एम एन, ये हमने क्या किया है, माना है। ठीक, चलिए आपको क्या करना, पहले ये लिखना है, उसके बाद ये लिखना है, उसके बाद ये लिखना है। चलिए लिखिए, तो
देखिए, यहां तक काम करने के बाद लिखना। देखिए तो ये जो रेखा है पी क्यू, ये ए बी पर भी लंब है, सी डी पर भी लंब है, वही लिखेंगे। सिंस द लाइन पी क्यू, ये रेखा पी क्यू, सिंस द लाइन पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू बोथ लाइन्स ए बी एंड सी डी, लिखेंगे चूंकि रेखा पी क्यू दोनों रेखा ए बी तथा सी डी पर लंब है, इसलिए देखिए लंब है तो क्या होगा, इसका डायरेक्शन कोसाइन, इसका डायरेक्शन कोसाइन को गुणा करके जोड़ेंगे तो क्या होगा, जीरो के बराबर होगा। तो उसका डायरेक्शन कोसाइन क्या है, एल, इसका क्या है टू बाय थ्री, तो टू बाय सॉरी टू बाय थ्री नहीं टू बाय 29 एल प्लस थ्री बाय रूट 29 एम, फोर बाय रूट 29 एन बराबर जीरो, ये हो गया। बताए हैं ना कि दो रेखा जब लंबवत हो तो दोनों के डायरेक्शन कोसाइन का गुणनफल जीरो के बराबर होता है, उसी प्रकार से यहां पर देखिए ये भी लंब होगा, क्या लिखेंगे थ्री एल, एक बार लिख दिया जाए थ्री बाय फाइव रूट टू इंटू एल, फोर बाय फाइव रूट टू एम, फाइव बाय फाइव रूट एन बराबर जीरो। तो लिख दिए कि दोनों एक दूसरे पर लंब था तो ऐसा रहा होगा। अच्छा एक बात और देखिए, तो ये तो रेखा है तो ये कहाँ से ये बिंदु पास कर रहा है, इसका कोऑर्डिनेट क्या होता, यहाँ एक दो तीन, ये क्या हो जाएगा तीन चार पाँच, कोई रेखा है जो इस बिंदु से पास करता है जिसका डायरेक्शन रेशियो दो तीन चार है, तो यही समीकरण होगा। देखिए यहां से आप, हम क्या कर रहे हैं, ये समीकरण तो आप लिख लिए होंगे पहले, इसको अब मिटाते हैं। देखिए ये डॉटेड लाइन है, चलिए अर्थात इसका मतलब क्या हुआ, सबको एल, सबका एलसीएम लेंगे तो रूट 29 आएगा, ऊपर में क्या हो जाएगा 2l प्लस 3m प्लस 4n बराबर जीरो, दैट इज। और इसको देखिए तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, थ्री एल बाय फाइव रूट टू प्लस, या ऐसे लिखे यहाँ लघुत्तम लिए आया फाइव रूट टू थ्री एल फोर एम फाइव एन बराबर जीरो, लघुत्तम लिए रूट 29 आया, जोड़ दिए भिन्न का जोड़ किए हैं
इसका मतलब क्या हुआ, इसको इधर गुना करेंगे तो ये जीरो, इसको गुना करेंगे तो ये जीरो, 2l 3m 4n बराबर जीरो। यहाँ हो जाएगा 3l 4m 5n बराबर जीरो। समीकरण 3 ये हो गया 4। चलिए यहाँ तक पहले आप लिखिए, उसके बाद आगे का चर्चा करते हैं। देखिए फ्रॉम थर्ड एंड फोर, जब भी तीन वेरिएबल का समीकरण इस रूप में आ जाए, ठीक, इस रूप का कहने का मतलब एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड बराबर जीरो, यहाँ ए वन बी वन सी वन दे देते हैं, ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू जेड बराबर जीरो, तो इसको हल कैसे करते हैं, कॉन्स्टेंट टर्म नहीं रहना चाहिए, यदि इस तरह का सब समीकरण आ जाए तो इसको कैसे हल करेंगे वो सीखना है ध्यान से। पहले लिखते हैं एल, फिर माइनस एम, फिर एन, एल माइनस एम फिर एम, जो वेरिएबल यहाँ है एल है तो एल दिए, एम है तो माइनस एम दिए, एन दिए तो माइनस एम है, सॉरी प्लस एन है, ये अल्टरनेट चलेगा प्लस माइनस प्लस। उसके बाद एल को लिखना है तो हम क्या करेंगे, इसको ढक देंगे, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहां देखिए तो इसको ढकेंगे 3 × 5 = 15 माइनस 4 × 16, ठीक, समझिए 3 × 5 = 15 और 4 × 4 = 16, बीच में माइनस का चिन्ह आता है। फिर इसको ढकेंगे क्या होगा, 2 × 5 = 10 माइनस 4 × 3 = 12, फिर से समझिए, इसको ढक दिए 2 × 5 = 10 और 4 × 3 = 12, उसके बाद इसको ढक रहे हैं क्या हो जाएगा, 4 × 2 = 8 माइनस 3 × 3 = 9। एल बाय माइनस 1 माइनस एम बाय माइनस 2 एन बाय माइनस 1 माइनस माइनस कैंसिल। अब यहां पर क्या करना है, रूट अंडर एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर, यहां पर जो भी वेरिएबल रहेगा उसका स्क्वायर करके जोड़ना है, नीचे भी वही करना है, इसका स्क्वायर करेंगे तो माइनस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1। यहां से क्या पता चला, एल बाय माइनस 1 एम बाय 2
एन बाय माइनस वन, रूट अंडर एल वन एल सॉरी एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर का मान एक, एक चूंकि ये डायरेक्शन को साइन था, यहाँ देखिए डायरेक्शन रेशियो के स्क्वायर का जोड़ एक नहीं होता है, डायरेक्शन को साइन के स्क्वायर का जोड़ होता है, ये डायरेक्शन को साइन है इसलिए इसका स्क्वायर का जोड़ कितना एक, एक का रूट एक बटा रूट छः। ये दोनों को लेकर चलें, जैसे एल बाय माइनस वन बराबर क्या है वन बाय रूट सिक्स, इसको यहाँ गुणा कोणात्मक कर देंगे तो माइनस वन बाय रूट सिक्स होगा, तो वही देखिए कैसे क्या लिख रहे हैं, समझिए इसको यहाँ गुणा किए तो एल बराबर क्या आएगा माइनस वन बाय रूट सिक्स, एम बराबर क्या आएगा टू बाय रूट सिक्स, एन बराबर क्या आएगा माइनस वन बाय रूट सिक्स। अब इस बात को समझ करके लिख लीजिए, बस सवाल लगभग समझिए बन गया। यहां तक लिखिए पहले, देखिए लिखना नहीं है पहले समझना। प्रोजेक्शन का फॉर्मूला हम बता चुके थे, ये कोई रेखा है रेखाखंड, ये भी कोई रेखा है, इसका डायरेक्शन कोसाइन क्या था एल एम एन, और ये कोऑर्डिनेट क्या है एक्स वन वाई वन जेड वन, बी का कोऑर्डिनेट था एक्स टू वाई टू जेड टू, हमें एल एम निकालना था, तो इसका मतलब क्या हुआ रेखा ए बी का प्रक्षेप किस पर सी डी पर, तो एल एम निकल जाता है, ए बी का प्रोजेक्शन सी डी पर डालेंगे तो इसका परछा यहां बनेगा इसका यहां, तो यही हुआ प्रक्षेप। तो हम क्या करते थे एल एक्स टू माइनस एक्स वन, देखिएगा हम पीछे पढ़ा चुके थे एक्स टू माइनस एक्स वन, एम वाई टू माइनस वाई वन, एन जेड टू माइनस जेड वन, ये आ गया एल एम। हमें प्रोजेक्शन इसका प्रोजेक्शन इस पर निकालना है तब तो ये दूरी हमें निकलेगा, हमें ये दूरी निकालना है तो इसका प्रोजेक्शन इस पर, जैसे ये दूरी निकालना था इसका प्रक्षेप इस पर, हमें ये निकालना है तो इसका प्रक्षेप इस पर, समझे। यहां पर हमें क्या लिखना पड़ेगा वो देखिए, प्रोजेक्शन ऑफ ए बी ऑन पी क्यू इज इक्वल टू, देखिए हम माने थे एल एम एन इसका डायरेक्शन कोसाइन है, निकल के आ गया क्या ये आया है डायरेक्शन कोसाइन, क्या होता है फॉर्मूला एल एक्स टू माइनस एक्स वन, एम वाई टू माइनस वाई वन, जेड जेड टू सॉरी एन जेड टू माइनस जेड वन, तो L कितना है माइनस एक बटा रूट छ, एक्स टू माइनस एक्स वन तो थ्री माइनस वन, प्लस M M है दो रूट दो बटा रूट छ,
एन एक्स टू माइनस एक्स वन फोर माइनस टू, एन माइनस वन बाय रूट छ इंटू वो जेड टू माइनस जेड वन, जेड टू माइनस जेड वन इसका मॉड, चूंकि ये मान लीजिए ऋणात्मक में आ गया तो क्या दूरी कभी ऋणात्मक में होगा? नहीं होगा। देखिए ए बी का प्रोजेक्शन पी क्यू पर, ए बी का प्रोजेक्शन पी क्यू पर, तो ये क्या दूरी निकला है? पी क्यू ही तो निकला है, ये क्या हो जाएगा? दो, यहाँ हो गया माइनस दो बटा रूट छ, दो गुना माइनस एक माइनस दो बटा रूट छ, यहाँ दो यहाँ दो, दो दूना चार बटा रूट छ, दो गुना माइनस एक तो माइनस दो बटा रूट छ, कहीं ये तो कट के जीरो आ रहा है, तीन में से एक गया, दो चार में से दो गया, दो पांच में से तीन गया दो, ठीक, दो दुना चार। चलिए लिखिए तो यहां तक देखते हैं कि किधर सवाल नंबर, अच्छा इसे लिखा जाए x1 माइनस x2 y1 माइनस y2 z1 माइनस z2, तो क्या रहा है? माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, किधर गलती हो रहा? आंसर आना चाहिए वन बाय रूट सिक्स, आ नहीं रहा है, देखते हैं कहाँ क्या गड़बड़ हुआ। टू एल प्लस थ्री एम प्लस फोर एन बराबर जीरो, थ्री एल प्लस फोर एम प्लस फाइव एन बराबर जीरो, इसको ढके ये पंद्रह माइनस सोलह माइनस एक, इसको ढके दस माइनस बारह माइनस दो, इसको ढके आठ माइनस आठ माइनस नौ माइनस एक बराबर एक बटे चार दो छ, एल बराबर आ गया एक एक बट माइनस एक बटे, ये तो कैंसिल ही हो गया, एम आ गया दो बटे रूट छ एन आ गया, वही तो लिखे थे, ठीक। उसके बाद ये आ रहा है
एक दो तीन ठीक है, दो चार। ओहो, यहाँ पर हम देखिए गलती किए थे, यहाँ है दो चार छ। देखिए रेखा एक बार मिला लीजिएगा तो एक्स माइनस टू बाय थ्री, एक रेखा है एक्स माइनस वन बाय टू, एक रेखा है वाई माइनस टू बाय थ्री, जेड माइनस थ्री बाय फोर, एक रेखा ये था, एक रेखा है एक्स माइनस टू बाय थ्री, वाई माइनस फोर बाय फोर, जेड माइनस फाइव बाय फाइव, ये दोनों रेखा था। तो पास करने वाला पॉइंट क्या होगा, एक कोमा दो कोमा तीन, एक कोमा दो कोमा तीन लिख दिए। पास करने वाला पॉइंट होगा दो कोमा चार कोमा पाँच, दो कोमा चार कोमा पाँच, यहाँ हम तीन दे दिए थे, यही गलती किए थे। देखिए एल कितना था, माइनस वन बाय रूट छ, एक्स टू माइनस एक्स वन दो माइनस एक, एम टू बाय रूट सिक्स, फोर माइनस टू प्लस एन माइनस वन बाय रूट सिक्स, फाइव माइनस थ्री मॉड में क्या हो जाएगा एक, तो माइनस एक बटा रूट छ प्लस दो दुना चार माइनस दो रूट छः, लघुत्तम लिए रूट छः आया, माइनस एक प्लस चार माइनस दो आ गया एक बटा रूट छः यूनिट्स। ये था शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने का तरीका, आप ऐसे निकाल सकते हैं, एक तरीका तो ये हुआ। यदि कार्टेशियन रूप में दिया है तो कैसे निकालेंगे, वेक्टर रूप में दिया रहे तो आपके पास दो रास्ता है, या तो वो फॉर्मूला लगा दें जो बताए थे, ए टू माइनस ए वन डॉट बी वन क्रॉस बी टू बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी वन क्रॉस बी टू, बी वन क्रॉस बी टू होल मैग्नीट्यूड। वेक्टर रूप में दे तो ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, या तो वेक्टर रूप में दिया हुआ है तो उसको कार्टेशियन में बदलेंगे फिर यही प्रोसेस लगाएंगे। चलिए इसी सवाल को हम दूसरे ढंग से बनाते हैं, यहां तक पहले आप लिख लीजिए उसके बाद लिखना है। चलिए लिखिए, और करके हम लिखना चाह रहे हैं। गिव हैंड लाइंस एक्स माइनस वन बाय टू, वाई माइनस टू बाय थ्री, जेड माइनस थ्री बाय फोर, समीकरण एक। और क्या दिया हुआ, एक्स माइनस टू बाय थ्री, जेड माइनस सॉरी वाई माइनस फोर बाय फोर, जेड माइनस फाइव बाय फाइव, समीकरण दो। देखिए मान लीजिए कार्टेशियन में दिया हुआ है तो कैसे बनाना था ये बता चुके हैं, मान लीजिए हमें नहीं बनाना है इस प्रक्रिया से तो हम इसको क्या करेंगे, वेक्टर रूप में बदल लेंगे। तो लिखेंगे यहां से फ्रॉम फर्स्ट, समीकरण एक से हम लिख रहे हैं आर वन बराबर
आई प्लस टू जे प्लस थ्री के। देखिए यहाँ क्या है, वन, तो वन आई टू जे थ्री के, यहाँ माइनस रहे तो यहाँ प्लस वाला लेना है, प्लस रहे तो माइनस वाला लेना है, प्लस लैम्डा टू आई प्लस थ्री जे प्लस फोर के, आर टू टू आई प्लस फोर जे प्लस फाइव के प्लस म्यू थ्री आई प्लस फोर जे प्लस फाइव के। देखिए ये दोनों कोई स्केलर है, ये कार्टेशियन से वेक्टर में कैसे बदलना था वो सीख लिया, यदि इससे इसमें बदलना है तो वो भी बता चुके हैं। हियर यहां पर हम मान लेते हैं कि ए वन बराबर क्या है, आई प्लस टू जे प्लस थ्री के, बी ए टू बराबर क्या है, टू आई फोर जे प्लस फाइव के, बी वन बराबर क्या है, टू आई प्लस थ्री जे प्लस फोर के, बी टू बराबर क्या है, थ्री आई प्लस फोर जे प्लस फाइव के। ये सब पहले लिख लीजिए, ठीक। चलिए इसको लिखिए पहले आप लोग। चलिए इसको आप लिख लिए होंगे। इसमें फिगर उगर बनाने का कोई जरूरत नहीं है, ये समीकरण एक से लिखे थे आप और ये समीकरण दो से लिखे थे आप। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस डी बराबर क्या होता है, फॉर्मूला मैग्नीट्यूड ऑफ ए टू माइनस ए वन डॉट बी वन क्रॉस बी टू बाय बी वन देखिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस डी बराबर बी वन क्रॉस बी टू का मैग्नीट्यूड का होल मैग्नीट्यूड। देखिए हमें ए वन पता है, हमें ए टू पता है, बी वन पता है, बी टू पता है, यहाँ जो जो जरूरत है हम वो निकाल करके यहाँ बैठा देंगे तो मान निकल जाएगा। इसको स्टार मान लेते हैं। चलिए इसको लिख लीजिए। तो लिखिए 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 जल्दी से। Thank you.
ये था बी वन, ये था बी टू, ए वन क्या था? देखिए, ए वन था आपका आई प्लस टू जे प्लस थ्री के, ए टू था टू आई प्लस फोर जे प्लस फाइव के, हमें यहाँ क्या जरूरत है? ए टू माइनस ए वन का हम निकालेंगे पहले। अब ए टू माइनस ए वन, तो इसमें से इसको घटाएंगे, टू आई में से आई गया आई, फोर जे में से टू जे गया टू जे, फाइव जे के में से थ्री के गया प्लस टू के। उसके बाद हमें जरूरत क्या है? बी वन क्रॉस बी टू का, बी वन क्रॉस बी टू डिटर्मिनेंट ऑफ आई जे के, बी वन टू थ्री फोर, थ्री फोर फाइव, आई को रखे ये साफ 5 3 15 -16 माइनस आई, फॉर्मूला में होता है माइनस जे, ये साफ 5 2 10 4 3 12 -2 प्लस के, ये साफ 4 2 8 -9 तो -1 मतलब माइनस आई प्लस टू जे प्लस सॉरी माइनस के, ये क्या निकला आपका? बी वन क्रॉस बी टू। देखिए यहां जरूरत है बी वन क्रॉस बी टू का मैग्नीट्यूड का भी, इसलिए बी वन क्रॉस बी टू का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? रूट अंडर -1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर मतलब रूट 6, 1 4 1 5 1 6, ये हो गया 6 यूनिट्स। और देखिए हमें किसका जरूरत है? यहां तक लिखने के बाद, ये लिखने के बाद ये सब हमें जरूरत था। देखिए A2 माइनस A1 का जरूरत था, हम निकाल लिए। B1 क्रॉस B2 का जरूरत था, वो भी निकाल लिए। अब हमें और इसका जरूरत था तो हम ये भी निकाल लिए। अब हमें किसका जरूरत है? A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 का जरूरत। चलिए इसको डायरेक्ट बैठा भी सकते हैं, चलिए इतना निकालते हैं, इतना बराबर A2 माइनस A1 क्या आया है? बिजली भी नौटंकी कर रहा है। देखिए A2 माइनस A1 और B1 क्रॉस B2 के बीच का डॉट निकालना है। तो देखिए A2 माइनस A1 क्या आया है? बराबर, उधर जगह नहीं था हम इसलिए लिख रहे हैं, उधर लिखना है I प्लस टू जे प्लस टू के डॉट B1 क्रॉस B2। देखिए क्या आया है? माइनस I प्लस टू जे माइनस के बराबर आई डॉट आई, एक यहां देखिए माइनस एक, दो दुना चार माइनस दो बराबर कितना आया? एक, दोनों का डॉट निकाले एक आया। एक पर देखिए लाइट का प्रॉब्लम है, नहीं तो छापने के लिए प्रॉपर समय देते आप इसको।
देख लीजिए, रोक करके लिख लेना है, हम मिटाते हैं या तो नहीं मिटाते हैं, ध्यान से देख लीजिए पहले। नौ स्टार बिकम्स, स्टार तो यही था इतना बराबर, ध्यान से देखना है। ए टू माइनस ए वन का डॉट बी वन क्रॉस बी टू के साथ क्या आया है, एक। बी वन क्रॉस बी टू का मैग्नीट्यूड देखिए कितना आया है, रूट सिक्स। इसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो भी कितना आएगा, वन बाय रूट सिक्स यूनिट्स। देखिए वैसे भी बनाए तो वन बाय रूट सिक्स ही आंसर आया, ऐसे भी बनाएंगे तो वन बाय रूट सिक्स ही आंसर आएगा। अब जितना भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का सवाल है, या तो वो कार्टेशियन रूप में होगा या तो वेक्टर रूप में होगा, आप ये दोनों तरीका को अच्छी तरह से समझ लें। हमारे समझ से आपके लिए यही आसान है, वो मुश्किल था इसी को यूज करें, जिसके लिए वो आसान था तो वो यूज कर लें, जिसके लिए दोनों आसान है तो दोनों में से किसी को भी बना सकते हैं। तो आज हो गया स्ट्रेट लाइन समाप्त, ठीक। इसके बाद जो है प्लेन स्टार्ट करेंगे, समतल स्टार्ट करेंगे, पाँच से छः क्लास, सात क्लास होगा, प्लेन का बस समाप्त हो जाएगा। चलिए रहने दें, धन्यवाद।